कल मैं आप लोगों से बात कर रहा था इसके बारे में, वीवी के बारे में। तो हम लोग अब इस वक्त शुरू करने जा रहे हैं एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको हम विजुअल बेसिक्स कहते हैं, विजुअल। तो जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया, इसको स्टार्ट किससे ड्राइव किया गया, यानी पहले ये बेसिक थी, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। और इसमें क्या है, इसमें पिछले साल मैंने आप लोगों को बताया कि विजुअल बेसिक्स एक कंप्यूटर हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। विजुअल बेसिक्स, विजुअल बेसिक इज ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिंपल एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बाद में हम इसके अलग अलग चीजों पे बात करेंगे, जैसे बुनियादी तौर क्या है एक कंप्यूटर, एक हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वीबी इज ए हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कहते हैं, इसमें हम सबसे पहली बात जो कहते हैं कि ये इवेंट ड्राइवन है। क्या है इवेंट? इवेंट ड्राइवन, इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक बात ये, एक पॉइंट इसका ये है, ये एक इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इवेंट ड्राइवन हम किसको कहते हैं, जो इवेंट पे काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल इवेंट हम किसको कहेंगे, हैपनिंग ऑफ समथिंग। फॉर एग्जांपल मेरे फोन में बेल आएगी, मेरे फोन में बेल आएगी, रिंग होगा, होगी मेरे फोन पे, तो वो क्या है, ये एक इवेंट है। और इस इवेंट का क्या मैं कर रहा हूं, इस इवेंट का मैं रेस्पॉन्ड कर रहा हूं, मैं इसका रेस्पॉन्ड करूंगा, या तो मैं रिजेक्ट कर लूंगा या तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है। तो एक इवेंट का क्या किया जाता है, रेस्पॉन्ड किया जाता है, ठीक है। इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग इसको कहते हैं क्योंकि विजुअल बेसिक्स एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इवेंट्स पे काम करती है, जो क्या करती है, इवेंट्स। तो इवेंट्स मतलब देखो, फॉर एग्जांपल आप लोग जब ये करते हो, फॉर एग्जांपल आप लोग जब स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो, स्टार्ट बटन पे जब आप क्लिक करते हो तो क्या होता है, आपके सामने एक बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, बहुत सारे मेनूज आपके सामने अपीयर हो जाते हैं। ये क्या है, ये एक इवेंट है, ये एक इवेंट है, यानी क्लिक करना, क्लिक करना एक बटन पे। जब फॉर एग्जांपल जब यहां पे मैं आपको दिखाऊं, स्क्रीन शेयर किया हुआ है मैंने, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे राइट क्लिक करूं, राइट क्लिक जब मैंने किया, मेरे सामने क्या आ गए, मेरे सामने कुछ ऑप्शंस आ गए, आप देख रहे हो स्क्रीन पे, जैसे व्यू आ गया, रिफ्रेश आ गया। नो सर, अभी नहीं दिखाई, नहीं दिखाया, स्लो चला, क्या चला स्लो, बफर गसन थोड़ा, अच्छा कर चुके कैमरा बंद, आप दिख रहा है कुछ? नो सर। ओ तो तने उसी में आए थे? यस सर। ओ तो आंटी क्या उसे वीबीओ से वन ठीक पड़ा थे? अरे सर जो इंटे। अच्छा वन चुस सुई। वो आवाज क्या? मैं। ऑक्सीजन। अच्छा अच्छा मैं करूँ स्टॉप शेयर। सॉरी सॉरी। मैं नए सिरे से शेयर करूंगा, शेयर, तो मैं शेयर करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल इस वक्त क्या दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे, इस वक्त क्या दिख रहा है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे इंसर्ट पे क्लिक करूंगा, आपको दिख रहा है कुछ स्क्रीन पे, इंसर्ट, इंसर्ट आ रहा है? यस सर। हाँ, जैसे इंसर्ट पे मैं क्लिक करूंगा, इंसर्ट पे जब मैं क्लिक कर रहा हूं, मुझे मेरे सामने क्या आ रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। जब मैं इंसर्ट बटन पे क्लिक कर रहा हूं, ये क्लिक करना क्या है,
एक इवेंट, ये एक इवेंट किसके लिए, इस इवेंट बटन के लिए, इस इंसर्ट बटन के लिए। और इसको प्रोग्रामर ने समझाया है, इसको प्रोग्रामर ने समझाया है कि जब आप पे कोई क्लिक करे, आप ये ऑप्शंस यूजर को दिखाइए, जो आप पे क्लिक करेगा उसको आप ये वाले ऑप्शंस दिखाइए। कहीं पे हम राइट क्लिक करते हैं, कहीं पे हम डबल क्लिक करते हैं, कहीं पे हम सिंपल लेफ्ट क्लिक करते हैं, कहीं पे हम राइट क्लिक करते हैं, ये सारे कहीं पे हम माउस रखते हैं, जैसे मैं यहां इस पे माउस रखता हूं ये एक्टिवेट हो जाता है, जैसे इस पे मैं कहीं पे यहां पे क्लिक करेंगे, जैसे मैं इसको जब मैं इस पे ले रहा हूं इसका कलर क्या होता है, चेंज, यानी एक्टिव हो रहा है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? यस सर। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल इस पे मैं ले रहा हूं, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये अपना ये एक्टिव हो रहा है, क्योंकि इसको प्रोग्रामर ने कहा है कि जब आप पे कोई पॉइंटर रखे तो आप अपना कलर येलो करना और आप एक्टिव पोजिशन में आ जाना, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इवेंट्स है। जैसे आप लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो, या आप लोग फॉर एग्जांपल इस क्या कहते हैं जूम एप्लीकेशन जब आप ओपन करते हो ना, आप लोग क्या करते हो, इस पे डबल क्लिक करते हो, ओपन करते हो, उसको ओपन बटन पे क्लिक करते हो, करते हैं ना? यस सर। तो ये क्या है, ये एक इवेंट है। तो जो हमारे प्रोग्राम यानी वीबी है, ये एक इवेंट ड्राइविंग प्रोग्राम, यानी ये इवेंट्स पे काम करती है, क्लिक डबल क्लिक, माउस अप माउस डाउन माउस ओवर, ठीक है, ये सारे क्या है, दीज आर द इवेंट्स। और दूसरी बात जो वीबी के मुताबिक आप लोग याद रखेंगे कि वीबी एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन है, विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, विंडोज बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जी यू आई का ये क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है कि जब हम लोग पहले, सुन रहे हो मेरी बात? यस सर। हाँ, जब हम लोग पहले इस्तेमाल करते थे कंप्यूटर्स को, तिमन दोनों से वहां एस ब्रोकन क्रीन स्क्रीन, ब्लैक, सुद ब्लैक स्क्रीन, तथ पे करन टाइप कमांड्स, जैसे कॉपी कॉन, पिछले साल भी मैंने दिखाया, जो बच्चे नाउ पार्टिसिपेंट, एक सेकंड है, वीबी की बात हो रही है। तो दूसरी बात क्या है कि वीबी एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड एप्लीकेशन है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वीबी एक विंडोज बेस्ड, एक विंडोज बेस्ड, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड एप्लीकेशन है। तो GUI हम शॉर्ट में कहते हैं GUI बेस्ड एप्लीकेशन। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पहले जमाने में क्या होता था कि जैसे हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग देखते हैं, पिछले साल मैंने दिखाया भी था उसका, तो इस वक्त डेस्कटॉप वाली स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, वरना इस वक्त भी दिखाता आप लोगों को। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, उसमें पूरी की पूरी स्क्रीन ब्लैक आ जाती है, ब्लैक, और ब्लैक पे बाद में एक कर्सर आ जाता है, कर्सर ब्लैंकिंग करता रहता है, हम लोग टाइप करते हैं कमांड्स, कॉपी कॉन टाइप, बाकी कंट्रोल जेड, ऐसी ऐसी चीजों से वहां पे ग्राफिक्स का, जैसे आप लोग आजकल जब हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल में हमारे पास सब कुछ किस सूरत में आता है, ग्राफिकल सूरत में आता है, कमांड्स हमें किस सूरत में आती है, हमारी कमांड्स हमारे पास किस सूरत में आती है, वो आती है सिंपल जो ग्राफिकल सूरत में आती है, ग्राफिकल सूरत में आती है, जैसे हम स्टार्ट बटन पे आज क्लिक करते हैं, ना कि हम स्टार्ट कमांड लिखते हैं, ठीक है, हम लोग सेव बटन पे क्लिक करते हैं, सेव बटन हमारे सामने किस सूरत में आता है, ग्राफिकल सूरत में आता है, कट कॉपी पेस्ट बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन स्टार्ट हर कोई चीज, और कोई फाइल, जो कोई फाइल हम क्रिएट करते हैं उसकी क्या बन जाती है, एक उसकी भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बन जाती है, ठीक है। तो हम ग्राफिक्स को ये करते हैं, ग्राफिक्स फॉर्म में सब कुछ पाते हैं, किस वाले में, विंडोज में, विंडोज, जैसे हम विंडो हम किसको कहते हैं, जैसे इस वक्त मेरे सामने ये स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन आप लोग देख रहे हो, ये
ये साइड से जो यहाँ पे बॉर्डर बना है, ठीक है, तो जैसे एक खिड़की के क्या बने होते हैं, बॉर्डर्स बने होते हैं, ठीक है, उसी तरीके से इस ये एक विंडो बनी हुई है। और जो कुछ इस एप्लीकेशन में, जो कुछ इस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में है, वो इसी किस में आती है, इसी विंडो में आ जाती है। और हर कोई एप्लीकेशन विंडोज प्रोग्रामिंग में या विंडोज बेस्ड एप्लीकेशंस में हर कोई चीज किस सूरत में, जैसे मैं यहाँ पे सेव करूं, आप लोग मुझे बताना आपको नजर आ रहा है कि नहीं। जैसे मैंने ओपन किया, यस सर, ओपन के बाद मेरे सामने क्या आ गया, ये आ गया एक 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 डायलॉग बुक्स आ गया, ये एक विंडो खुल गई, विंडो एक खिड़की खुल गई, और इसमें बहुत सारी फाइल्स है, बहुत सारे फोल्डर्स है, बहुत सारे कमांड्स है, ठीक है। और ये कमांड्स भी किस में, जैसे ओपन भी मेरे सामने किस सूरत में है, ग्राफिकल फॉर्म है, दिस इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वो हो गया टेक्स्ट यूजर इंटरफेस, कौन वाला, पुराने जमाने वाला, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम वाला, उसमें हम लोग टेक्स्ट को इस्तेमाल करते थे कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करने के लिए। और इस वाले में हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करने के लिए। जैसे कैंसिल करना है मुझे, कैंसल पर क्लिक कर, इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग, कैंसल पर पॉइंटर निवान एक्टिवेट, अमी कैंसल बटन ओ कैंसल बटन यूथ ये पे क्या थे पॉइंटर थे ऐसे क्या तमीज कर तमी बन बिलू तम सत बस गोक एक्टिवेट एक्टिवेट ग ठीक एक्टिवेट ग ठीक ब्राइट गम पुथ अत पे क्लिक कर पुस वन यूथ ये पे क्लिक कर ऐसे क्या कम ऐसी तमी ये डायलॉग बुक डिसेपियर कर गो ना डिसेपियर गो। तो ये 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 क्या है, दिस इज इवेंट ड्राइविंग प्रोग्रामिंग। और ये जो हमारे सामने आ जाता है हर कोई चीज हमारे सामने किस फॉर्म में आती है, ग्राफिकल फॉर्म में आती है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आती है हर किसी चीज की, हर किसी कमांड की, हर किसी फाइल की, हर किसी फोल्डर की हमारे सामने क्या आ जाती है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। हम उसको कहते हैं दिस इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखिए ये कर मैक्सिमाइज बटन पर क्लिक, देखिए विंडो वन ये कमरस मज क्या, ठीक है, यह कप हेको वहां विंडो कुन वह इन एप्लीकेशन मज क्या यह हेको वह विंडो मज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट मज क्या यह हेको अम की विंडो थ्रू वह क्या क्या। और यह गो इवेंट मिसाल के तौर पर यु मे ये पॉइंटर न्यू यह गो बनो ग्रे कलर यु बहुत अत क्लिक कर मैक्सिमाइज स्क्रीन। तो कहने का मतलब क्या है, वीबी इज ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, वीबी इज एन इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग, वीबी एक इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग है, ये इवेंट्स पे काम करती है। यहां पे हम हर किसी चीज के लिए क्या रखते हैं, एक इवेंट रखते हैं, जैसे क्लिक पे क्या चीज से कर इतने पे डबल क्लिक कर तमीज क्या कर इतने पे पॉइंटर थे ठीक है तमीजन क्या कर इतने पे राइट क्लिक कर तमीजन क्या कर। हम हर किसी बटन को, हम हर किसी आइटम पे हम ऐसी ही प्रोग्रामिंग करके रखते हैं, इसको हम कहते हैं इवेंट ड्राइविंग प्रोग्रामिंग। दूसरी चीज कि विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन हम क्रिएट करते हैं, किससे, वीबी से, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन हम लोग क्रिएट करते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन कौन सी एप्लीकेशन हो गई, वो एप्लीकेशन जहां पे ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करने के लिए, ठीक है, हम उसको कहते हैं दिस इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन। ये एक विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन है, यहाँ पे एक विंडो खुलती है और उसमें हमारे पास जो कुछ उस एप्लीकेशन में होता है वो सारी की सारी आइटम्स, वो सारे के सारे ऑप्शन उसी में होते हैं, जैसे अभी हम पावर पॉइंट की विंडो देख रहे थे। इसी तरीके से ये हम कंपेरिजन में करते हैं टेक्स्ट यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर। 11th वालों को यही क्वेश्चन आते हैं, इनको बड़े सीरियसली ले लें, और 12th में भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे
कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट यूजर इंटरफेस कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हर कोई चीज आपके सामने आएगी, हर कोई कमांड, हर कोई फाइल, हर कोई फोल्डर, हर कोई प्रोग्राम आपको अपीयर होगा आपके सामने इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स. ग्राफिक्स की सूरत में वो होगा. और जो टेक्स्ट यूजर इंटरफेस है, जो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, उसमें आपको हर किसी चीज के लिए एक टेक्स्ट कमांड लिखनी है, तब जाके वो काम होगा. ठीक है? Yes, sir. और कुछ इसके रिलेटेड और कोई क्वेश्चन वगैरह? शिबीर अहमद और एक है कोई त्रे त्रेष क्या सुते वारे स्टूडेंट बेस नौ लिखा पान स्क्रीन पे मे लगा पता कुछ ठीक है ये लिखा नौ